लिबर्टी, आप सभी का स्वागत है कौन नए गेम प्ले वीडियो में। और आज अपन खेलने वाले ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। जैसा कि आप सभी को याद होगा, अभी तक जब से मैंने अपनी शॉप खोली है, जब से रोज घाटे पे घाटा हुआ जा रहा है। और इससे पिछले एपिसोड में मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था, और वो कर्जा आज की वीडियो में मुझे उतारना है। ओके सो गाइस, इस टाइम अपने पास इतने भी रुपए नहीं है कि अपन अपनी हंगर को पूरी कर सके। ओनली 32 डॉलर्स है और अपनी हंगर पूरी 100 हो रखी है, तो मेरे को लगता नहीं है 100 रुपए में कुछ खाना मिल पाएगा। और अपनी कार में भी पेट्रोल नहीं है, तो अपने को पैदल जाना पड़ता है। जैसे कि इससे पिछले एपिसोड में अपन ने स्कूटर खरीदा था, वो भी दुकान पे फंसा हुआ है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। और पेट में गुड़ गुड़ गाई, मंदी आके कितनी मंदी आ सकती है। शॉप पे इससे पहले बहुत सारा सामान था, उम्मीद है कि सब कुछ बिक गया होगा और बहुत सारा पैसा मिल जाएगा अपने को। तो कुछ नहीं, बस दुकान पे जाके पैसा कलेक्ट करना है, देखते हैं कितना पैसा आता है। और इस टाइम 1400 डॉलर का अपने ऊपर कर्जा है। चलो ए भाई, ए सुनना, कुछ खाने को देना, तेरे बगल में मेरी दुकान है, बहुत बड़ी सरिया है, अंदर आके सोने का सब कुछ कर। 15 रुपए मांग रहा है गाइस, 15 खा लू गाइस। आजकल ये भी देख रहे हो तुम, कितनी कितनी खड़ूस आग दिखा गाइस, बुरे वक्त पे कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। चलो गाइस, अभी अपन शॉप में तो आ गए हैं और ये पैसे खाए जा रहा है पैसे। चलो चलो गाइस, अभी जो है पैसे निकालते कितने। ओके गाइज, इस टाइम अपने पास टोटल 1948 डॉलर आ चुके हैं। बहुत है, इतने तो बहुत है, लेकिन 1500 तो 400 डॉलर बचेंगे, 400। और अपनी शॉप पे सब कुछ खत्म हो चुका है, एक भी चीज नहीं है जो बेचने के लिए हो। देखो कुछ भी नहीं है, बस एक ये बचा इधर। सबसे पहले ये जो लोन है ये कुछ नहीं चुक रहा। सबसे पहले मेरे को अपना सामान लाना है। रुको, अपन जो है ये कॉफी वॉफी में तो हमेशा भरा रहता है, कॉफी के अपन पैसे कमा सकते हैं, न्यूज़पेपर के पैसे कमा सकते हैं, बट और सामान लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मेरे को गाड़ी चाहिए होगी, बट गाड़ी में तो पेट्रोल गाइस पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, अब क्या करें। अभी गाइस सबसे पहले घर चलते हैं और गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, फिर गाड़ी लेके अपने को सारा सामान लाना पड़ेगा। और ये अरे यार, किस प्रकार की स्कूटी है, मुड़ती नहीं है, स्लिप पहले होती है भाई, ये कोई बात नहीं गाइस, चलता रहता है। अभी जो है देखो, इसके अंदर अपनी ऑयल 30% है, रिपेयर 44 है, गैस 0 है, तो इसको रिफिल कराते हैं। सबसे पहले तो फोन निकालो, फोन के अंदर व्हीकल्स में चलते हैं, रिपेयर कॉस्ट गैस फिल करानी है। 450 डॉलर, कहां से लेके आऊं 450 डॉलर, कट गया पैसा गाइस, हो गया है रिफिल। तो चलो अब फाइनली अपनी गाड़ी चलने लगी है। सबसे पहले दुकान पे सामान रख के आते हैं, कुछ भी खरीदो लेकिन सामान रख के आओ दुकान पे। मैप के अंदर अपने को जाना है जेबर शॉप जाना है, यहाँ पे मिलता है सस्ता और मस्त आइटम। चलो कम से कम भी नहीं तो 500 डॉलर का सामान खरीदेंगे वहां से, बहुत सारा, और वहां रखेंगे सारा सस्ता सस्ता आइटम रखूं, अभी तो महंगे आइटम के लिए पैसा ही नहीं है। बताओ 1500 तो माइनस में चल रहे हैं और 1500 ही रुपए हैं, बताओ मैं कहां से दे दूं इनको पैसे। अरे क्या कर रहा है, गाड़ी चला ले, रोक ले गड्डी। गाइज आ गए अपन जेबर शॉप, अभी जो है फटाफट सामान खरीदते हैं, जितने भी सस्ते हो, जो भी 10-10 रुपए के आइटम हो वो दे दो भाई। हाँ 10-10, ठीक है। रुको, हाई प्राइस चलिए, गुड प्राइस, ये हमेशा ही गुड प्राइस पे चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चाहिए जो नॉर्मल प्राइस ज़्यादा हो और करंट प्राइस कम है ना, वो बढ़िया रहे। ठीक है, ये बढ़िया है, 1-2, ये नहीं, करंट प्राइस जिसकी कम हो ना वही लेंगे, देखते हैं क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके इसकी कम है, हाई प्राइस चल रहे थे ये यार, एक एक क्लियर में अलग अलग लगा के रखोगे तो कैसे पता। ये देखो जैम और बीन गाइस करवा लिया, सिर्फ ये गुड प्राइस पे थे, ये सब हाई यार गंदा। ओके ये है थोड़ी सस्ती प्राइस पे। ओके एक कॉफी का पैकेट ले लेते हैं, पास्ता भी ले लो, नूडल्स एक पैकेट नूडल्स भी ले लेते हैं, अलग अलग वैरायटी रखेंगे गाइस, जिससे कि जल्दी जल्दी बिक सके। हर बार मैं 2-2, 3-3 ले जाता था, इस बार 2-2, 3-3 नहीं लेने वाला मैं। ओके मैंने चिप्स के पैकेट नहीं लिए ना, एक एक ये भी लेते हैं, ये 40 के हाई प्राइस चल रहे हैं, ये गुड प्राइस पे चल रहे हैं बट नहीं लेने, महंगे हैं ये सब, महंगा आइटम है, ये सस्ता लग रहा है थोड़ा। डॉग फूड ले लेते हैं, सही है, सॉस ले लेते हैं, ये भी सही है, सैलेड और ये हाई प्राइस चल रहे हैं। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ है सस्ता भाई, ठीक है ये है मिल्क, हाई प्राइस चल रहे हैं। अंडे ले लेते हैं गाइज, एक ट्रे अंडे ले लिए, लेकिन एक सेकेंड, यू आर सिक गाइज, मैं बीमार पड़ गया, खास रहा ये आदमी,
कैसे कैसे करूं मैं अपने धंधा पानी। गाइज $500 का सारा सामान खरीद लिया है मैंने, अब बस इनको रखते हैं दुकान पे और चलते हैं। कुछ भी करो दुकान पे जाके फटाफट से सबसे पहले खाना खाना है। गाइज बीमार पड़ गए अपन, देखो बगल में लिखा रहा है नो इलेक्ट्रिसिटी और यू आर सिक। सामान तो बहुत सारा खरीद लिया और गाइज ये देखो इसको खांसी कर रहा है ये, मतलब खांसी ले रहा है, खांसी कर रहा क्या होता है। ओके गाइस सारा सामान रख दिया है, अभी चलते हैं। ओ एक अंडे की ट्रे रह गई, अंडे की ट्रे भी ले लो पहले, लाओ इधर। अभी सारा सामान खोल के जहां मर्जी आप बिखेर के रखो, दुकान पे रखो, बेचना है, रात हो गई है, घर जाके सोना है, सब करना है। ए भगवान बचा लो। ए इधर मुड़ना है भाई। गाइस अभी रस्ते में से अपन इसको पहले खाना खिला के चलते हैं, रस्ते में अपनी ये शॉप भी आई है, बर्गर शॉप। अरे बेस्ट बर्गर आ गया है, चलो एक पिज्जा ले लेते हैं, पिज्जा से पूरा हो जाता है, बट बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। चलो ओके हंगर पूरी हो गई है, लेकिन यू आर सिक हटानी। अब इसकी सिकनेस कैसे हटाऊं? अरे इसकी सिकनेस कैसे हटेगी, सो के हटेगी गाइस, सो के हटेगी, घर चल रहे। ओके यू आर सिक अभी भी लिखा रहा है और मौसम भी खराब हो रहा है। अरे ऐसे मौसम में अरे मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चलो चलो गाइस फटाफट से घर चलते हैं, फटाफट से शॉप चलते हैं और सामान रख के आते हैं। मौसम भी बहुत बिगड़ रखा है, मेरी तबीयत भी खराब है, सनी बैठ रखा है मेरी सुपरमार्केट पे। गाइस कुछ भी करके मेरे को शॉप को बचाना होगा, वरना ये सीरीज खत्म हो सकती है गाइस। ये सारी शॉप है तो सीरीज में ही खैर। नौटंकी टू 100। बस टुकी गाइस। ओके सुपरमार्केट में मैं ले आया हूँ अपना सामान, इसको अंदर डायरेक्ट, रुको डायरेक्ट अंदर लेके चलो, गाड़ी डायरेक्ट अंदर पार्क हुई है। एग सोल्ड फॉर, ओ गाड़ी पे एग रखे थे, एग बिक गए, क्या बात है भाई, तू है तो कलाकार आदमी है। चलो बैग 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 बैग, अरे नहीं इनको यहाँ नहीं रखता भाई, रुको यहाँ रख। रिक्वायर फिज, अबे खराब हो जाएंगे अंडे, शिट गाइस ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन बिक रहे हैं अंडे बहुत जल्दी बिक रहे हैं। प्लीज बेक दो ये, फ्रिज लाने से पहले बेक दो प्लीज। बहुत सारे अंडे लाया हूँ मैं, ये बिक जाए बस कुछ भी करके, मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करता हूँ। बस ये सारा सामान रख जाऊं मैं। अरे वर्कर सैलरी कटे जा रही है, अरे वर्कर्स काम करो भाई, जल्दी काम करो, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल तो रही है ना, मेरे बैंक में लोन चढ़े जा रहा है। ओके गाइस अभी मैंने सारा सामान जमा दिया है, बस ये अरे अंडे बिक रहे हैं कि नहीं, जैम बिक रहा है, अरे अंडे बिको अंडे। रुको गाइस फ्रिज देख के आते हैं कितने का है, फर्नीचर शॉप पे जाके पीछे लेके चलो, मेरी दुकान को मैं ही तोड़ दूंगा। कहां इधर की साइड थी ना फर्नीचर शॉप, एक सेकंड, जहां तक है यहां से जाना है सीधा, फिर लेफ्ट में, हाँ जा, चलो मैं पहुंचा दूंगा फर्नीचर शॉप, ये देखो यहीं पे दिख जाएगी सामने, ये घर आ गया, यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाके सीधे जाना है, कह दो कि यही है फर्नीचर। अरे बिल्कुल सही लाया हूँ मैं, देख रहे हो तुम। अच्छा ओके फ्रिज कहाँ है भाई, फ्रिज यार इसकी सिकनेस उतर क्यों नहीं रही, हे भगवान। हाँ ओके ये फ्रिज $750 नहीं, फ्रिज 2000। गाइस अंडे लिए तो फ्रिज तो लेना ही पड़ेगा, हो गया है भाई $280। गो टू फार्मेसी, एक सेकेंड ये क्या, गाड़ी के साथ में ये कहां से आए, अरे गेम में ग्लिची बहुत है, एक सेकेंड उतरने देना। ये सब मैं कहां जमा के आया था भाई और कहां आ गए, ये गेम की ग्लिच मरवाएगी किसी। और गाइस ये जो अपने सिकनेस लगी हुई है ये उतरेगी अपनी फार्मेसी जाके। अब पैसा डबल, तो यार सारा पैसा खत्म होगा, फार्मेसी ये रहा शॉप के बगल में है, मेरे को पता था शॉप के आसपास कहीं फार्मेसी तो थी, मैंने देखी थी। चलो गाइस क्या ही कर सकते हैं, सबसे पहले गाइस अपन फ्रिज रख देते हैं, शॉप पे तो आ ही गए हैं, अभी के लिए यहीं टिकाते हैं फ्रिज को। ये अभी फटाफट से अंडे का, एक सेकेंड, अबे प्रोडक्ट खराब हो गया। गाइस भारी नुकसान वापस से, आज सोचा था नुकसान में भरपाई कर दूंगा, कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। ओके 100 रुपए की दवाइयां भी खा ली है अपन ने अब, बट क्या ही मतलब है, अब कहां से पैसा लाऊं मैं, पैसा क्यों करती तू, पैसे पे क्यों मर। और ये जो भी ग्लिच के चक्कर में सारा सामान यहाँ चुपका पड़ा है, इसको अंदर रख जाओ पहले, तो यहीं रख। ओके गाइस अभी सारा सामान अंदर तो रख दिया मैंने, जो भी ग्लिच के चक्कर में बाहर चला गया था,
और अभी इससे पहले पैसे इकट्ठा करते हैं। ओके 430 डॉलर आ गए हैं। मैं देख के आता हूँ बैंक में क्या चल रहा है। बैंक का थोड़ा बहुत लोन उतार सकूंगा तो लोन उतारूंगा और देखते हैं क्या। रीपे लोन 150, ठीक है छोड़ो। अभी लोन देने की बिल्कुल हालत में नहीं हूँ मैं क्या ही बोलूँ। ओके गाइस अभी जो है फ्रिज का आइटम लेके आते हैं थोड़ा बहुत खरीद के, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक ये सब कुछ बिकेगा नहीं, जब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो वापस चलते हैं जेवर शॉप और थोड़ा बहुत लेके आते हैं फ्रिज का आइटम। क्या पता फ्रिज का आइटम ज्यादा बिके, और फ्रिज का आइटम भी सस्ता सस्ता लाने वाला हूँ, जैसे कि एग हो गए। एग मेरे सारे सड़ गए। रुको रुको रुको, ये भी फ्रिज का आइटम है बट ये महंगा मिलेगा मेरे को पक्का पता है। 500 वेजिटेबल शॉप है, वेजिटेबल शॉप से भी लेके चलते हैं कुछ। 30 का, 35 का, दादा का, भाई का, सब का बदला लेगा रे। सब हाई प्राइस चल रहा है, सब हाई प्राइस। वाओ वाओ, नहीं खरीदूं क्या फिर मैं ये केला। गाइस थोड़े बहुत केले ले लिए, अभी चलते हैं जेवर शॉप पे और फिर वो लेंगे। जेवर शॉप आ गई, अभी चलते हैं इसके अंदर और सारा फ्रिज का आइटम दे भाई। हाँ क्या सस्ता है। ओ दूध भी फ्रिज का आइटम था इसलिए वो खराब। गाइस इससे पहले अपन ने बहुत पैसा बिगाड़ा है, बहुत। ओके ये भी लेके गया था इससे पहले वेफर्स, वो भी खराब हो गए थे। कितना पैसा बिगाड़ा इससे पहले मैंने। चलो गाइस अभी मैंने थोड़ा बहुत फ्रिज का आइटम लिया है, इनको फटाफट से फ्रिज में पहुंचाते हैं वरना ये खराब हो सकते हैं। तो चलो चलो लेट्स गो गाइस। थोड़ा थोड़ा सामान लेके धीरे धीरे करके पहुंच। एक सेकेंड, ए और ये किस प्रकार की ग्लिच है गेम में, सारा सामान आ ही नहीं पाया था। ओके खैर ग्लिच क्या करेगी, मैंने ही सारा सामान नहीं रखा था ना, मैं ही अंदर नहीं रखता, डिग्गी में रखना होता है सामान। सामान जो डिग्गी में रखना होता है, तीन तीन सामान लेके जाने होते हैं, मैं लेके जाता हूँ इतने सारे सामान तो कहाँ से आएंगे। अब अपने पास और बहुत सारा सामान है जो अपन दुकान में रख सके, दोबारा में लेके चलेंगे, जितना सामान आ जाता है उतना तो ले चलते हैं। कर्जा उतर सकता है ठीक है, जितना आएगा मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे, अगर कुछ रह गया होगा तो दोबारा लेके चलेंगे, बट ये अपन रख के आते हैं दुकान पे। आज रात यही काम करते हैं, अगली सुबह देखते हैं क्या होता है। मैं सारा सामान तो खाली कर देता हूँ यहाँ पे। ओके फटाफट सारा सामान रखो यहाँ पे, जिससे कि अपनी गाड़ी फ्री हो। ओके बहुत ज़्यादा रात होने वाली है, नहीं आज की रात यहाँ नहीं बिता सकता मैं। चलो गाइज वर्कर भी जा चुका है अपना, तो एक सेकेंड अपने चक्कर में शॉप बंद नहीं करके गया बेचारा। शॉप बंद करते हैं और फटाफट से चलते हैं और सोते हैं और अगले दिन आते हैं, फिर सारा सामान जमाएंगे और फिर देखेंगे कितना पैसा आ पाया है। इस टाइम 400 डॉलर है और माइनस में 1600, एक रुपये का, बल्कि जब से मैं आया हूँ जब से कर्जा चढ़ा ही चढ़ा है उतरा कुछ भी नहीं है। और अब गाड़ी को थोड़ा कम यूज़ में लेंगे क्योंकि अब अपने को कुछ सामान लाना नहीं है, तो सबसे पहले तो अपन स्कूटी लेके चल, एक गेट स्कूटी लेके भी जा सकते हैं। तो चलो गुड नाइट गाइज। ओके दिन हो चुका है, अपन जो है हंगना मुतना भी कर लेते हैं। गाइज गुड मॉर्निंग, अभी मैंने जो है फ्रेश भी हो लिया हूँ, नहा भी लिया हूँ, तो अभी चलते हैं। पहले तो खान भूख इतनी नहीं है और स्कूटी से चलेंगे, स्कूटी में जो है पैसा नहीं लगता पैसा। ओके अपन शॉप पहुँच गए हैं और क्या चल रहा है भाई, आ जाओ लो फटाफट गाइज सामान खाली करता हूँ मैं, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है इसको फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको यहाँ रखते हैं। वापिस से वर्कर, अरे दिन का कितना रुपए लेते हो भाई, दिन का कितना रुपए लेते हो, मतलब फिर वर्कर सैलरी काट ली लोगों ने। ओके गाइज अभी सारा सामान मैंने जमा दिया है, ये दो चार सामान इधर उधर रखा है, इनको एक बार के लिए इसके अंदर रखते हैं। मैंने दो चिप्स के पैकेट भी खरीदे थे जो कि जेवर शॉप्स में ही रह गए हैं आई थिंक सो। और सबसे पहले तो सामान इकट्ठा, पैसे इकट्ठा, 328 डॉलर और आ गए, डन। बहुत बढ़िया, बेके जा भाई बेके जा, फटाफट बेके जा, तू बहुत होशियार आदमी है, तू बेक दे सब बेक दे। अभी गाइज एक नया स्टैंड खरीदते हैं, सैंडविच स्टैंड, जिससे और पैसे आने लगेंगे, डन। तो मैं इसी का वेट कर रहा था, कहाँ पे आया है भाई, इसी के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, अभी सैंडविच स्टैंड भी आ गया है। ओके चलो अभी इससे थोड़ी और कमाई होने वाली है अपनी। ओके गाइस अभी जब तक अपने शॉप पे सामान बिक रहा है, जब तक अपन देखते हैं अपनी रेटिंग्स पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। रेटिंग सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में नहीं आ रही होगी, और जो अभी मैंने अभी वो खा लिए थे, मेरे पास अभी 160 रुपए थे, 130 हो गए। रुको सबसे पहले, अब गाइस कोई ऑप्शन नहीं है, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ यहाँ पे सामान बिकने का, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. Okay guys, तो अभी मैं बहुत देर रुक चुका हूँ यहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत अपन कैश लेके देखते कितना। ओके
$922 हो गए। तो अभी अपन सबसे पहले जो है अपनी दुकान की थोड़ी रेटिंग्स पे ध्यान देते हैं। अपनी रेटिंग्स जो है बिल्कुल जीरो है, ठीक है, क्योंकि अब सबसे पहले तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती अपने, शिट गाइस नहीं कर सकते अपने इलेक्ट्रिसिटी। अरे भैया अब क्या करें, कैसे कैसे चुकाए कर्जा। चलो गाइस सामान तो बहुत सारा रखा है, जहां तक है हो जाना चाहिए। अपन सबसे पहले तो बैंक का लोन चुका के आते हैं, जितना अपन चुका सकते हैं ये 900 रुपए का, और फिर देखो अगली बार में और कितना चुका सकेंगे। पहले तो इसका रीपे करो लोन। ओके मन में लालच आया 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 आकोत 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 ये ऐसे आंख नहीं दिखाने का। ओ गाइज स्कैम, वैसे स्कैम नहीं, मेरे स्कैम निकालेगा। मैंने गाइज 50 रुपए चुका के लोन ले लिया है, बट बैंक पे माइनस चल रहा है, मेरी जो एटीएम है ना उस पे माइनस चल रहा है, क्योंकि मैं बिल पे नहीं कर सकता जब तक अपना कुछ चुकाना पड़ेगा। रुको गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या पता कुछ अच्छा सा मिल जाए जहाँ से पैसा बहुत आने लगे। भाई बहुत पैसा है, इतना पैसा, इस चक्कर से मैंने लोन लिया। देखो ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं क्या खरीद सकता हूँ, कैशियर खरीद दूं एक, ज्यादा पैसा आएगा। बोलो क्या खरीदना चाहिए अपने, बोलो भाई। अगर थोड़े से पैसे होते तो एक कैशियर हायर कर लेता मैं। अगर एक कैशियर हायर हो जाए तो शायद अपने पास कस्टमर बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अभी गाइस मैंने बैंक वालों के साथ स्कैम तो कर दिया है, बट ये सारा स्कैम मेरे साथ ही निकलने वाला, क्योंकि ये जो -1800 है ये और माइनस में जाने वाले हैं। तो इस बार तो देखो ये सामान बिकता है जब तक मैं वेट करता हूँ, और ये जो अब मेरे पास $1900 है इसको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अपना सुपरमार्केट अभी बहुत 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 ज्यादा घाटे में, बहुत ज्यादा घाटे में हो गया। इस बार मैंने सोचा था मैं कर्जा उतार दूंगा, बट मेरी लालची मन ने बहुत बड़ा स्कैम, नहीं कह सकते क्योंकि वो स्कैम अपने साथ ही हो जाएगा एट लास्ट में, वो तो माइनस लगती जाएगी और अपनी स्टोर की रेटिंग कभी नहीं बढ़ेगी। अपने को अपनी स्टोर की रेटिंग बढ़ानी है तो ये $1900 बहुत अच्छी जगह डालने पड़ेंगे। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा स्टोर बचा लो कोई, बाय, मिलते अगली वीडियो में। अगर हमारा स्टोर बच सका तो, वरना मेरे को जेल भी हो सकता। Oh!